सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और 2024-25 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो नोटिफिकेशन आया है, मैनी ऑफ़ यू आर फीलिंग लिटिल डिफ़िकल्टी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का फॉर्म कैसे भरें। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट विवेक हैं, विवेक ने फॉर्म फिल कर दिया है एंड हियर इट शुड लुक लाइक दिस। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इट शुड लुक लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट पेज जो होगा आपका, फ्रंट पेज जो होगा, फर्स्ट और सेकंड दो पेजेज हैं। आफ्टर द ट्रांजेक्शन योर नोटिफिकेशन, योर फुल PDF शुड बी लुकिंग लाइक दिस। जैसे अब इनका ट्रांजेक्शन डिटेल है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन ID है, चलिए मैं इनको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन ID मान के चलिए, इनका पेड है तो पेड दिखा दिया। अब इनका फुल नेम है, फुल नेम विवेक समथिंग कुछ टाइटिल है इनका, तो चलिए विवेक अपना जो भी टाइटिल है आपका, विवेक राजेश रूपक नवनीत XYZ जो भी है आप लिख दिए। फिर डेट ऑफ बर्थ चलिए यहाँ पर लिख दिए। देन ऑटोमेटिकली दे विल कैलकुलेट एवरीथिंग। देन ब्लड ग्रुप है, नेशनलिटी है, ईमेल है, फिर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन गिव। लाइक ही इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, तो ही हैज़ गिवन टू डिफरेंट पिन, मीन्स ही हैज़ टू गिवन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंटली और परमानेंट एड्रेस वो डिफरेंट दिए हैं। सो हैव यू एवर इनरोल्ड इन HCU, अगर येस है तो येस, अगर नो है तो नो, तो इन्होंने नो लिख दिया। नेम ऑफ डिपार्टमेंट तो नो है तो नॉट प्रोवाइडेड। रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब नो हो जाएगा, नो इशू। देन योर मदर नेम, सो यू कैन जस्ट राइट योर मदर नेम, हियर आई हैव हिडन। देन इट्स नॉट कंपल्सरली यू हैव टू डू, सी वहाँ पे क्या है, एक रेड स्टार होगा, ठीक है। रेड स्टार जहाँ जहाँ रहेगा वह मैंडेटरी है, आपको वह पक्का भरना ही भरना, उसके अलावा फॉर्म आपका नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। सो रेड स्टार जहाँ है वहाँ आप मस्ट से मस्ट भरें, जहाँ रेड स्टार नहीं है वहाँ ऑप्शनल है, यू कैन जस्ट स्कीप दोज कॉलम, नो इशू। देन फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर, क्वालिफिकेशन, व्हाट सो एवर, जस्ट राइट इट हियर। देन कमिंग टू कम्बाइन नेशनल इनकम, आपका जितना भी फैमिली इनकम है, देन यू कैन राइट इट हियर, जो भी आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। फिर आपका एकेडमिक बैंक कुछ क्रेडिट ID होगा, अभी 2-3 साल से यह बन रहा है, तो ABC ID, जो भी आपका ID नंबर है, डिजी लॉकर में आप बनाए होंगे तो वहाँ पर आप ID नंबर लिख दोगे। एनी गैप ईयर इफ़ यू हैव गैप, सपोज दैट इफ़ ही हैज़ गैप, तो ये ही रोट येस। वट एवर यू हैव, येस नो, येस नो, जहाँ जहाँ आपको जो लगेगा आप भर दोगे। फिर आपके लैंग्वेज पूछेंगे, तो येस रीड स्पीक, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, मराठी, जो भी हो आप यहाँ पे भर देंगे अकॉर्डिंगली योर। ओके, देन कम्स योर एकेडमिक्स डिटेल, जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो एकेडमिक्स डिटेल वहाँ पे मांगेगा। तो एकेडमिक्स डिटेल्स में मेक श्योर, जैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए लिखा, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको यह क्रिटेरिया है। सिमिलरली फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट यू विल हैव डिफरेंट क्रिटेरिया, क्लियर। फिर आप 10th को दोगे, 12th का दोगे, मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, ईयर क्या है, स्कूलिंग क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट राइट। एंड सिंपल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यू कैन ऑल्सो राइट, राइट ही हैज़ रिटन इंग्लिश, कॉमर्स, जो भी लिखा, मैथ्स बंगाली, सो यू कैन इवन राइट MATH मैथ्स, दैट्स इट, नो नीड टू राइट मैथमेटिक्स कम्प्लीटली। पास्ट फेल जो भी है, ईयर दे दोगे, परसेंटेज मार्क्स, CGPA या फिर परसेंटेज में दोगे, CGPA है तो परसेंटेज में चेंज करके दोगे, ठीक है। डॉन बॉस्को से पढ़े हैं, वेरी गुड स्टूडेंट सिम्स। उसके बाद फिर 12th के सब्जेक्ट्स आपको दो दोगे अकॉर्डिंगली। यू कैन जस्ट गिव योर द पिन कोड, जहाँ पे वह स्कूल सिचुएटेड है उसका पिन कोड आप गूगल पर से पता करके ले लोगे, ठीक है। देन यू हैव टू, तो आप 10th का क्वालिफिकेशन, 12th का क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन का, बट जो आपको दिखाना होगा ड्यूरिंग द काउंसिलिंग, 10th का कंपलसरी रहता है, क्योंकि वहाँ से ये लोग नेम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं ऑफ योर CUET। एंड ग्रेजुएशन का जो है, अगर आपके पास TC है तो ठीक है, नहीं तो BA जो है ग्रेजुएशन, उसका फाइनल मार्कशीट एटलीस्ट कंपलसरी है। हाउएवर फाइनल मार्कशीट के लिए वो लोग आपको 2-3 मंथ्स टाइम देंगे, यू कैन सबमिट इवन टिल दिसंबर, नो इशू। बट कैटेगरी सर्टिफिकेट इज मस्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है, और जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट वह मैंडेटरी नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट UR यानी कि जो भी अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर अदर पीपल लाइक OBC, ST, SC जो भी है शायद उसके लिए मैंडेटरी होगा। बट इनकम सर्टिफिकेट को लोग लेके इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो जो पूछा जा रहा है वह आप भरते चले, आपका फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा, फिर आप पेमेंट करेंगे, और जो भी 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप उसको अपलोड करोगे, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, EWS है तो EWS देंगे, OBC है तो OBC देंगे, वट सो एवर यू हैव, सो वट एवर यू हैव अपलोडेड देयर ना, हियर ओनली, हियर हिज साइड, जस्ट यू अपलोड हियर, नो इशू। ओके, सो थैंक यू सो मच, इट वॉज द ऑल डिटेल, एंड थैंक यू रियली विवेक हेल्पिंग फॉर अदर्स पीपल, बिकॉज इट्स वेरी यू नो डिफिकल्ट टू शेयर योर ओन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड आई मस्ट थैंक विवेक फॉर एप्लीकेशन शेयरिंग, एंड ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आई विश हिम
ऑल द बेस्ट कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप एडमिशन पाएँ। और चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। और नीचे लिंक दिया होगा, टेलीग्राम लिंक, ठीक है, जस्ट गो बिलो, टेलीग्राम लिंक विल बी देयर, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ओके गाइज, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। और हो सके तो आप मेंबरशिप, नीचे लिंक होगा मेंबरशिप का, अगर शो कर रहा है तो मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई प्रोवाइड ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्री हियर, जस्ट आपको स्टे ट्यून रहना है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो यू कैन जस्ट कमेंट भी लो, ठीक है, कमेंट भी लो। और हमारा नीचे जो होगा नवीनॉमिक्स, जो होगा नवीनॉमिक्स, नवीनॉमिक्स करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे हम आपको, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आवर टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई विद इन 2 to 3 hours ऑफ योर डाउट। ओके, सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।